बहुत जबरदस्त, बहुत प्राप्त। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मेन पार्टी का जी, ताली। सुंदर सिंह क्या बनाया इनको? अच्छा जी, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, इनका पता दिखा। विजय खजूरिया, विजय खजूरिया, खजूरिया, विजय खजूरिया, आइए आइए, बहुत बहुत आइए। सुशोभित, सुशोभित, एक है चल एक उधर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज कार्यालय कठुआ में खुला है। जेएनके यूनिट जो है उसके कार्यालय का उद्घाटन करने में आया हूँ, और मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रफीक मलिक जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के भानु प्रताप सिंह जी हैं, ये नितिन वाजपेयी हैं, लीगल ऑल इंडिया लीगल सेल के वाइस चेयरमैन हैं, ये मंगत राम सैनी जी हैं, ये अखिल भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ये सरदार आरपी सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, और सारे ऑफिस बिलर आए हुए हैं उद्घाटन के लिए। हम भानु प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि ये पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, उन्होंने ये हमको कमरा जो है पूरा कोठी का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के कार्यालय के लिए हम लोगों को दिया है। आप कल से पार्टी की गतिविधियां जो कठुआ और सामाजिक की होंगी वो यहीं से होंगी, इनकी देखरेख में होंगी। जम्मू में हमारा जम्मू तवी के सामने ऑफिस है, हेड ऑफिस है, रफीक मलिक जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों को आज बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, और साधुवाद और देश की जनता को भी धन्यवाद, खासतौर से बिहार की जनता को, जिन्होंने हमको 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जिता के दी। हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े थे और एनडीए ने हमको 5 सीटें दी थी, हमको जो 5 सीटें दी थी 5 की 5 हमने जीत के मोदी जी के झोली में डाली। 100% रिजल्ट चिराग बाबू ने दिया है, और चिराग बाबू को बधाई कि उनकी मेहनत काम लाई है, देश की जनता का, राज्य की जनता का यकीन उनके ऊपर बढ़ा है, और मोदी जी का उनके प्रति खास स्नेह है, जिसकी वजह से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारत सरकार में मिला है। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत है देश में, और जहां तक जम्मू की बात है, जेएनके की बात है, ये डिमांड हम लोग बार बार करते रहे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जाके हमने ये बात रखी भी है, और उसको अब जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा उस मांग को पुरजोर से रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस जैसे पहले था उस तरीके से जल्द दिया जाए। एक तो ये मांग हम लोग रखने जा रहे हैं, और मांग ही नहीं रखें क्योंकि हम घटक दल हैं, सरकार में हैं, तो हमारी मांग को बीजेपी पूरी तरीके से मानने के लिए भी सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, और हमें लगता है, विश्वास है कि वो मानेंगे हमारे। दूसरी हमारी मांग है कि जेएनके में जल्दी विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए, अदरवाइज तो सितंबर 25 तक कार्यकाल बनना ही बनना है, लेकिन हम उस पर प्रभावशाली तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर जेएनके में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, वो हमने स्टेट राज्य यूनिट की ड्यूटी लगाई हुई है कि 20-point प्रोग्राम बना ले, उन समस्याओं को हम केंद्र के माध्यम से जो सॉर्ट आउट हो सकती है उसको वहां से पूरी कराएंगे, जो राज्य के स्तर पे हो पाएंगी वो राज्य के स्तर पे कराई जाएगी, और एक जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लग गई हैं वो भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वही मोदी सरकार है, ये वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जिसने घर में घुस के बालाकोट मारा था, ये पाकिस्तान को ध्यान मत रखनी चाहिए। आतंकियों को भेजना बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री का गुस्सा खोल जाए या सीमाएं पार कर दे और दोबारा से बालाकोट करने की कोशिश की जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति से काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में 65.4% वोट पड़े, ये इतिहास में रिकॉर्ड है, कभी इतने नहीं वोट पड़े, 8%, 10%, 12%, मैक्सिमम 14% वोट पड़े। इस पूछे ये विपक्षी दल बात करते हैं,
शांति बहाली की प्रक्रिया 370 के बाद पुरजोर से लागू हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई हैं। आतंकवादी घटना जो होती है वो कदा कदा होती है, लेकिन उसके लिए भी आतंकवादियों को फौरन सबक सिखाया जाता है। पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी जा रही है कि मोदी को और मोदी की सरकार को पुराने नजरिए से देखिए, आतंकियों को भेजना बंद कीजिए। बाकी हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो एनडीए का सामंजस्य है, सभी पार्टियों का, बीजेपी है और हम एलजेपी हैं, उसमें और दो तीन पार्टियां हैं, वो सब मिलके देश की जनता की, राज्य की जनता की सेवा की भावना से काम करें। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं या ऑफिस पदाधिकारी, इनका भी ये फर्ज बन जाता है कि राज्य की जनता की सेवा करें, राज्य की भलाई के काम करें, गरीब गुरबा के लिए काम करें और पार्टी को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएं। हमारी पार्टी विधानसभा में एनडीए के गठबंधन में रह के कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी बात डिमांड रखेगी और जितनी ज्यादा हमको मिलेगी सीटें, सारी सीटों पर पूरी ईमानदारी से और मेहनत से लड़के हम मोदी जी को यहाँ भी चुनाव में सरकार बनवाएंगे, ये हमारा मानना है।